जोधपुर में पिछले 3-4 दिन से लगातार जिस तरीके से गर्मी का आलम था उसको देखते हुए आमजन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, लेकिन आज अचानक 11 बजे के बाद बादलों ने करवट ली और मौसम की करवट के साथ ही आकाश में काले बादलों की घटाएं भी छा गई और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ और आधे से पौने घंटे तक लगातार जिस तरीके से जोधपुर शहर और आसपास के हिस्सों में बारिश हुई उसका कहर देखने को अब बारिश बंद होने के बाद मिल रहा है। चाहे बनाड़ हो, रतनाड़ा हो और या मंडोर मंडी हो या शहर का भीतर हिस्सा, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। घुटनों तक पानी में लोगों को आने जाने के लिए काफी ज्यादा मजबूर भी होना पड़ रहा है। जोधपुर का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से ये हालात बने हुए हैं। अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं कि जोधपुर में बारिश का पानी कुछ देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन सुबह से शाम तक वह पानी लगातार इन सड़कों पर नजर आ रहा है। जोधपुर में पिछले 3-4 दिन से लगातार जिस तरीके से गर्मी का आलम था उसको देखते हुए आमजन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, लेकिन आज अचानक 11 बजे के बाद बादलों ने करवट ली और मौसम की करवट के साथ ही आकाश में काले बादलों की घटाएं भी छा गई और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ और आधे से पौने घंटे तक लगातार जिस तरीके से जोधपुर शहर और आसपास के हिस्सों में बारिश हुई उसका कहर देखने को अब बारिश बंद होने के बाद मिल रहा है। चाहे बनाड़ हो, रतनाड़ा हो और या मंडोर मंडी हो या शहर का भीतर हिस्सा, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। घुटनों तक पानी में लोगों को आने जाने के लिए काफी ज्यादा मजबूर भी होना पड़ रहा है। जोधपुर का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से ये हालात बने हुए हैं। अधिकारी लगातार दावे कर रहे हैं कि जोधपुर में बारिश का पानी कुछ देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन सुबह से शाम तक वह पानी लगातार इन सड़कों पर नजर आ रहा है।